Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Hope you all are fine and taking care of your health and also watching the videos and completing your CW. Students, again we are back with the chapter number 18, that is too much water and too little water. Yesterday we have gone through the first part of this chapter. Today I am going to explain you the second part of this chapter. Students, open your textbook so that whatever I explain you, you can get it easily. कल हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था? इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था. सो बिफोर आई प्रोसीड फॉर द सेकेंड पार्ट आई विल गिव यू अ स्मॉल रिकैप ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू यू. यस स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी वी आर इन द यस्टरडे वी हैव रीड अबाउट द आंध्र प्रदेश. देयर इज अ विलेज इन आंध्र प्रदेश दैट इज नालामंडा विलेज. वहां पे एक गांव है, वहां पे कौन रहती है? सुगना. आप इस पिक्चर में देख सकते हो सुगना क्या कर रही है, बैठ के बुक रीड कर रही है. और उसके घर में कौन आया है? कोई विजिटर आया है, उसके अप्पा को मीन्स उसके फादर को मिलने के लिए आया है. और वो कहाँ से आया है? सिटी से आया है. तो अप्पा उसको वेलकम कर रहे हैं और घर के अंदर बैठा रहे हैं. फिर अप्पा ने सिल्वा, सिल्वा कौन है? डू यू रिमेम्बर? आपको याद है सिल्वा कौन है? यस, ही इज सुगनास ब्रदर. सुगना का वो भाई है. तो अप्पा उसको क्या बोलते हैं? गेस्ट के लिए क्या लाने के लिए बोलते हैं? उसको कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए बोलते हैं. फिर वो गेस्ट जब वो कोल्ड ड्रिंक, अब आप नेक्स्ट पिक्चर में देखो कि इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी कि सिल्वा क्या कर रहा है, वो गेस्ट को क्या दे रहा है? कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, क्योंकि उसके अप्पा ने उसको बोला था कि वो बाजार से जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आए. तो वो उनको कोल्ड ड्रिंक दे रहा है और गेस्ट क्या बोल रहा है कि उसे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए. फिर आप इस पिक्चर में देख सकते हो अप्पा क्या कर रहे हैं, गेस्ट को वाटर ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि गेस्ट ने क्या बोला कि उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, उसको एक ग्लास पानी चाहिए पीने के लिए. तो अप्पा ने क्या किया, अप्पा उसको पानी दे रहे हैं, पर उन्हें अप्पा ने क्या बताया कि ये पानी पीने के लायक नहीं है. क्यों? क्योंकि वो गंदा पानी है. और अप्पा ने ये भी बताया कि देखने में भी वो पानी साफ नहीं है, तो वो पिया कैसे जाएगा. फिर अप्पा ने क्लियर किया कि हम लोग ये पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें ये पानी पीना ही पड़ेगा. तो इससे हमें समझ में आता है कि सुगना के जो फादर थे वो पानी, गंदा पानी ही, सुगना की पूरी फैमिली जो थी वो वैसा ही पानी, गंदा पानी पीती थी. वो कोई प्रिकॉशंस नहीं लेती थी और गेस्ट को भी वो ही पानी उन्होंने ऑफर किया था. एंड स्टूडेंट्स, नाउ ऑन पेज नंबर 147 यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस आल्सो, मींस इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चंस विद यू. होप यू ऑल हैव गॉट द आंसर नाइसली. If you are having any queries, you can ask me in the comment box. Now we will proceed for the second part of this chapter, and it is on page number 147. Students, take your pencils and you can go line by line. First we will read line by line, after that I will give you the explanation. Now the second part is water games. Bazar Gaon, Maharashtra. There was a big water park near Bazar Gaon. One day Rohan and Reena went with their parents to the water park. There were many water fountains. Reena said, "Look, Rohan, there are so many rides in the water, and look at all these big ponds." Rohan said, "Splash, splash, splash." Both turned around. They saw a long thick water hose going zoom zoom zoom. Yes students, now we will read about water games. Water games you all know very nicely. आपको water games पता है ना, जो पानी के अंदर बड़े बड़े झूले होते हैं, फिर बहुत सारे games वहां पे खेले जाते हैं. वो वहां जैसे कि एसएल वर्ल्ड में कौन सा है, रोलर कोस्टर है. वो बहुत बड़ा water game है, वहां पे बच्चों को खेलने में बहुत मजा आता है. Now students, this is Bazar Gaon. Where it is in Maharashtra. Bazar Gaon कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है. महाराष्ट्र क्या है? एक स्टेट का नाम है ये. तो जैसे आपका को स्टेट का क्या नाम है? It is Gujarat. अभी there was a big water park near Bazar Gaon. अब Bazar Gaon के पास में एक नए बड़ा सा water park था. वहां पे कौन गया था water park में? Rohan and Reena. Here in this picture you can see this is Reena and this is Rohan and this is the parents of Reena and Rohan. ये Reena और Rohan के मम्मी और पापा हैं. अब वहां पे क्या है? There were many
फाउंटेन्स आप देख सकते हो यहाँ पे, ये फाउंटेन आपको दिख रहा है, ये फवारा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फवारा बोलते हैं। रीना सेड, अब रीना ने किसको बोला, रोहन को, अपने ब्रदर को क्या बोला, लुक रोहन देयर आर मेनी राइड्स इन द वॉटर। अभी रीना ने रोहन को क्या बोला कि उस वॉटर पार्क में क्या था, फाउंटेन्स के अलावा वहां पे बहुत सारी राइड्स थी जो पानी के अंदर से या पानी के ऊपर से चलती थी। तो उसने अपने ब्रदर को बताया कि देखो यहाँ पे पानी की कितनी सारी राइड्स हैं, एंड लुक ऑल दीज बिग पॉन्ड्स। फिर उसने बोला ये बड़े बड़े पॉन्ड्स को भी देखो कि कितने बड़े यहाँ पे पॉन्ड्स हैं जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था। रोहन सेड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, रोहन ने कैसे आवाज निकाली, स्प्लैश स्प्लैश की आवाज निकाली। फिर बोथ टर्न अराउंड, फिर दोनों ने पीछे घूम के देखा, क्या देखा कि देयर वॉज अ लॉन्ग थिक वॉटर, वहां पे एक बहुत ही मोटा सा पाइप था जिसमें से बहुत सारा, मतलब बहुत मोटे पाइप में से, हॉस में से पानी आ रहा था, एंड इट वॉज सेइंग जूम 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 की पानी से आवाज आ रही थी। नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 148। चिल्ड्रंस वेयर स्लाइडिंग डाउन अ बिग टॉल स्लाइड एंड लैंडिंग इन वॉटर विथ अ लाउड स्प्लैश। रोहन गॉट इन टू अ स्विंग हाई अबव वूश, विद इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वॉटर। रीना गेव अ शर्क ऑफ सरप्राइज। नाउ हियर इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि बच्चे यहाँ पे ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ के और स्लाइड से नीचे पानी में आ रहे हैं। आप देखो यहाँ पे रीना है, रोहन है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, वहां से ऊपर से स्लाइड होके पानी के अंदर आ रहे हैं। दूसरे भी जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, वो लोग भी इस पानी के अंदर खेल रहे हैं। अब वो जब वो नीचे पानी के अंदर गिरते हैं तो कैसी आवाज आती थी, जोर से स्प्लैश की आवाज आती थी। रोहन गॉट अ स्विंग हाई अबव वूश, अभी रोहन ने कैसे किया, हवा के में, जैसे हवा में हम कूदते हैं वैसे वो जोर से पानी के अंदर कूदा, और कैसी आवाज आई, उसमें से वूश करके आवाज आई। विद इन अ सेकेंड, और वो थोड़े से ही टाइम में पानी के अंदर चला गया। रीना गेव अ शर्क ऑफ सरप्राइज, तो जैसे ही रोहन पानी में गिरा तो रीना उसको सरप्राइजली देखने लगी, मतलब चौंक के रीना उसकी तरफ देखने लगी। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइस एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। एवरीवन रैन टुवर्ड्स द मेन गेट। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बॉटल वॉज क्लिंगिंग टू हिज मदर। रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड। वॉट इज द मैटर, शी आस्ट। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइस, अभी जब बच्चे उसमें पानी में खेल रहे थे और जंप कर रहे थे और वूश की स्प्लैश की आवाज निकाल रहे थे, तभी उन लोगों को बाहर से बहुत तेज आवाजें सुनाई दी। लाउड वॉइसेस मतलब बहुत तेज तेज आवाज सुनाई दी। कहाँ से सुनाई दे रही थी, आउटसाइड द पार्क, पार्क के बाहर से आवाज आ रही थी। एवरी वन रैन टूवर्ड्स द मेन गेट, तो सबको दौड़ के कहाँ गए, मेन गेट के पास गए। तो वहां पे क्या था, देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल, वहां पे बहुत सारे लोग थे, लोगों का झुंड, क्राउड मतलब भीड़ होती है, बहुत सारे लोग जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। और उनके हाथों में क्या था, दे वर कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स, उनके हाथ में खाली बकेट्स और पॉट्स थे। नाउ हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी, आप इस पिक्चर में देख सकते हो दैट द क्राउड इज स्टैंडिंग आउटसाइड द वॉटर पार्क एंड दे आर द वुमेन्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन, दे आर हैविंग द बकेट्स इन देयर हैंड्स एंड इट इज एम्प्टी। पॉट्स हैं, ये पॉट्स देख सकते हो आप, पॉट्स रखे, ये इनके हाथ में, आप जो औरतें खड़ी हुई और जो मेंस खड़े हैं उनके हाथ में क्या है, सबके हाथ में बकेट है। छोटा बच्चा है, इसके हाथ में क्या है, हाथ में इसके बॉटल है। और एक स्मॉल बच्चा है, वो क्या कर रहा था, उसके हाथ में खाली बॉटल था और क्लिंगिंग टू हिज मदर, वो अपनी मदर से चिपक के खड़ा हुआ था कि शायद उसको भी पानी मिलेगा, उसके पास भी पानी नहीं था। तो रोहन की मदर जो थी वो वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड, अभी ये रोहन की मदर है, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये रोहन की मम्मी है और रोहन उनके पीछे खड़ा हुआ है। अब वो आपको गीला दिख रहा है, पानी निकल रहा है उसके बॉडी में से, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा था, स्लाइड में पानी में खेल रहा था, स्विमिंग कर रहा था वो।
तो वो मदर जो रोहन की मदर है वो क्राउड में एक वुमेन से पूछती है, व्हाट इज द मैटर, क्या प्रॉब्लम हो गया, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो, क्या प्रॉब्लम हुआ है, आप सब यहाँ भीड़ लगा के क्यों खड़े हो, उसने उस वुमेन से पूछा। द वुमेन रिप्लाइड एंग्रीली, यू आस्क व्हाट इज द मैटर, आवर वेल्स हैव नो वाटर, वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम्स वंस अ वीक, टुडे इवन दैट हैज नॉट कम एंड हियर देयर इज सो मच वाटर एवरीवेयर जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एंजॉय, टेल मी व्हाट शुड वी डू। यस स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी द मदर इज आस्किंग टू दैट वुमेन कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द मैटर, व्हाई यू हैव कम हियर, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो औरत ने क्या रिप्लाई किया, एंग्रीली, एंग्रीली मतलब उसने बहुत गुस्से से बोला कि आप मेरे से पूछ रही हो व्हाट इज द मैटर, आप पूछ रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। तो उसने क्या बताया, अवर वेल्स, वेल्स मतलब उनके गांव में जो कुएं थे वो क्या हो गए थे, सूख गए थे, उसमें पानी नहीं था, मीन्स उनके पास उनके गांव में पानी का शॉर्टेज था। नाउ हियर दैट योर टाइटल, आपके जो चैप्टर का टाइटल है टू लिटिल वाटर, अब इस विलेज में क्या है, लिटिल वाटर है, और वाटर पार्क में क्या है, टू मच वाटर। नाउ दिस इज द टाइटल ऑफ योर चैप्टर, नेम ऑफ द चैप्टर। नाउ यू अंडरस्टैंड, अब आपको समझ में आया बच्चों, टू मच वाटर मतलब वाटर पार्क में बहुत पानी है, और टू लिटिल वाटर मीन्स जो विलेज है जहां से वो वुमेन्स और मेन्स आए थे और क्राउड लगा के खड़े थे, उनके गांव में पानी नहीं है, तो वहां पे टू लिटिल वाटर है। तो उस लेडी ने क्या बोला कि हमारे को वंस अ वीक मतलब वीक में एक बार, मतलब 8 डेज में उनको एक बार पानी मिलता, वो भी काहे में आता है पानी, टैंकर में आता है वो पानी, मीन्स दैट विलेज इज हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर प्रॉब्लम, पानी की बहुत शॉर्टेज है वहां पे। फिर उसने क्या बोला कि आज टुडे वो भी नहीं आया, इवन टुडे दैट वॉज हैज नॉट कम, आज तो वो भी नहीं आया, और इधर देखो देयर इज सो मच वाटर एवरीवेयर, और इधर वाटर पार्क में देखो कितना पानी है, मतलब हमारे पास पीने के लिए, घर में पकाने के लिए, वाटर यूज करने के लिए पानी नहीं है हमारे पास, और यहाँ पे वाटर पार्क में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, आपके मजे करने के लिए यहाँ पे ढेर सारा पानी है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं ताकि हमें यहाँ से कुछ पानी मिल सके या हमारे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। टेल मी व्हाट शुड वी डू, अब उस औरत ने रोहन की मदर से क्या पूछा कि अब आप बताओ कि हम क्या करें, कि हमारे घर गांव में पानी नहीं है, हमारे पास पीने का पानी नहीं है, यूज करने के लिए पानी नहीं है, और यहाँ आपके खेलने के लिए, आपके बच्चों के लिए इतना सारा पानी है, तो हम क्या करें, इसीलिए हम यहाँ पे पानी के लिए यहाँ पे आए हैं। नाउ स्टूडेंट सी ऑन पेज नंबर 149 देयर इज वन क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट। द वॉटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वॉटर टू प्ले इन, बट द नियर बाय विलेज पीपल डिड नॉट हैव वॉटर इवन टू ड्रिंक, थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस। अभी जो वॉटर पार्क है वहां पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारा पानी है, और जो नियर बाय विलेज है वहां जो पास में जो विलेज है उनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं है, तो आपको इसके बारे में सोचना है और डिस्कस करना है। क्या सोच सकते हैं हम कि जब किसी के पास पीने के लिए या यूज करने के लिए पानी नहीं है तो वहां पे पानी होना जरूरी है, दे मस्ट गेट द वॉटर, मतलब हमें प्ले करने के लिए, खेलने के लिए या बच्चों के मजे के लिए ऐसे पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हाँ आसपास में सबके पास पानी है तो थोड़ा छोटा सा कोई भी हम वाटर पार्क बच्चों के लिए बना सकते हैं उनके एंजॉयमेंट के लिए, पर अगर किसी कोई गांव में किसी लोगों को प्रॉब्लम है पीने के पानी की या पानी यूज करने के लिए नहीं है तो वहां पे उनको पानी का सप्लाई देना चाहिए या ऐसा कोई अरेंजमेंट करना चाहिए कि जो वाटर पार्क में पानी आता है उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट उनको विलेज के जो पीपल है उनको भी मिले। नाउ दिस वॉज माई व्यू, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हो, अगर आपके पास इसका कोई आंसर है, व्हाट यू थिंक, सो राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज, इफ यू गो टू अ वॉटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वॉटर कम्स टू द पार्क। नाउ स्टूडेंट्स
यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको इसका आंसर फाइंड आउट करके और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है कि अगर आप वाटर पार्क जाओगे तो आपको पता करना है कि वहां जो वाटर पार्क में जो पानी होता है वो कहाँ से आता है. नाउ स्टूडेंट, दिस वॉज द एंड ऑफ द पार्ट टू. होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड नाइसली. आपको चैप्टर अच्छे से, पार्ट टू अच्छे से समझ में आ गया होगा. अभी तक हमने कौन कौन से स्टेट के प्रॉब्लम्स के पानी के प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा, आंध्र प्रदेश का पढ़ा और महाराष्ट्र का पढ़ा. नाउ इन द थर्ड पार्ट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस नाइसली. एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.